चाय के इम्पोर्टर्स का अफगान ट्रांसिट ट्रेड के जरिए माल बनाने का इंकशाफ। अफगान ट्रांसिट ट्रेड के जरिए कीनिया से चाय मंगवाकर पाकिस्तान स्मगल कर ली गई। अफगानिस्तान से स्मगल शुदा चाय पाकिस्तान में आने से कौमी खजाने को अरबों रुपए का सालाना नुकसान हुआ। शाहिद अजमल मजीद बताएंगे। जी शाह, ट्रेड के जरिए बड़े पैमाने पर जो है वो माल बनाया है और अफगान ट्रांसिट ट्रेड के जरिए कीनिया से जो है वो ब्लैक टी जो है वो मंगवाकर पाकिस्तान स्मगल कर दी गई है और अफगानिस्तान से स्मगल शुदा चाय पाकिस्तान में आने से कौमी खजाने को अरबों रुपए का नुकसान हुआ है और अफगान ट्रांसिट ट्रेड के जरिए कीनिया से मंगवाई गई चाय की पाकिस्तान में स्मगलिंग जो है वो 159% तक बढ़ गई है और कानूनी तरीके से पाकिस्तान की चाय की जो दरामदात हैं उनमें 9.13% कमी वाकई हुई है। एक साल के दौरान अफगानिस्तान ने कीनिया से मजमूई तौर पर 75.63 मिलियन डॉलर की चाय दरामद की और गुज़श्ता साल अफगानिस्तान ने कीनिया से 29.30 मिलियन डॉलर की चाय जो है वो दरामद की थी। माली साल 2022-23 में अफगान ट्रांसिट ट्रेड के जरिए कीनिया से 2,31,449 मैट्रिक टन चाय दरामद की गई और कीनिया के हुकाम ने अफगान ट्रांसिट ट्रेड के जरिए चाय की दरामद में गैर मामूली इजाफे पर अफगान हुकूमत को जो है वो आगाह भी किया और इजाफी चाय वजारत तजारत का कहना है कि पाकिस्तान को वापस स्मगल कर दी गई और पाकिस्तान को चाय स्मगल करके मुल्की खजानों को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाया गया और चाय मंगवाने और उसे पाकिस्तान स्मगल करने में पाकिस्तानी इम्पोर्टर भी मुलव्वस हैं। जी सही, शुक्रिया शायद।